मी टू के आरोपी साजिद खान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आज भोजपुरी इंडस्ट्री की दबंग एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने उन्हें लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे चौंका देने वाले हैं। जी हाँ, आपने इससे पहले देखा होगा कि साजिद खान पर कई एक्ट्रेसेस ने उन्हें हैरेस करने का, उन्हें मोलेस्ट करने का, साथ ही साथ उनके साथ कई गंदी हरकतें करने के आरोप लगा चुकी हैं और अब इन्हीं में एक नाम शामिल हो चुका है, भोजपुरी की दबंग एक्ट्रेस रानी चटर्जी का। रानी चटर्जी ने अपने साथ हुए एक वाकये का जिक्र करते हुए यहाँ ये कहा कि साजिद खान से मैं तब मिली थी जब वो फिल्म हिम्मत वाला बना रहे थे। हिम्मत वाला में उन्होंने एक आइटम सॉन्ग रखा था, आइटम सॉन्ग का नाम था धोखा धोखा। तो इसके लिए मैंने भी ऑडिशन देने की सोची और मैंने तब साजिद खान के टीम से कांटेक्ट किया। आगे अपनी बात को रखते हुए रानी चटर्जी यहाँ ये कहती हैं कि साजिद खान का फिर मुझे पर्सनली कॉल आया और इन्होंने ये कहा कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है, तुम मेरे जूहू स्थित घर पर आ जाओ, वहाँ पर तुम जब आओगी तो अपना कोई भी पर्सनल मैनेजर और पीआर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक फॉर्मल मीटिंग है। और रानी ने कहा, मैंने आराम से उनकी बातों पर इसलिए विश्वास कर लिया क्योंकि वो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं और मैंने ये ज़रा भी नहीं सोचा कि कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है। रानी आगे कहती हैं कि जब मैं वहाँ पहुँची तो साजिद ने पहले मुझे ये कहा कि तुम मुझे अपने पैर दिखाओ। मैंने लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी तो मैंने अपना घुटने तक उन्हें पैर दिखाया। फिर साजिद के अजीब बिहेवियर ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। साजिद ने मुझे डायरेक्टली ये पूछा कि तुम दिन में कितनी बार सेक्स करती हो। और तो और पूरे बातचीत के दौरान साजिद ने मुझे बहुत अजीब ढंग से छूने की कोशिश की। आपको ये बता दें, रानी इकलौती ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जो साजिद खान पर आरोप लगा रही है। मी टू कैंपेन के दौरान सबसे ज़्यादा साजिद खान पर ही एक्ट्रेसेस के साथ छेड़छाड़, उनके साथ गंदी हरकतें, और तो और कईयों ने तो ये भी आरोप लगाया कि फिल्म में रोल देने के बहाने साजिद ने उनका यूज़ किया है। वैसे जब से साजिद खान बिग बॉस 16 में गए हैं तब से कई एक्ट्रेसेस ने इस शो के मेकर और शो पर सलमान खान पर अपनी भड़ास निकाल चुकी हैं। ऐसे में ये वाकया बहुत ही चौंका देने वाला है। आपको जाते जाते ये बता दें कि धोखा सॉन्ग में जब रानी चटर्जी ने काम करने से इनकार कर दिया, या यूँ कह लें कि उन्होंने साजिद के इस बिहेवियर को इनकार कर दिया, तो उनकी जगह पर रिंकू घोष ने धोखा सॉन्ग में काम किया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।